فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله

इन्ना इसका तर्जमस मात फरमाए और अपने ईमान को ताजा करें कि क्या ही अच्छा होता अगर वो इस बात पर राजी हो जाते या इस चीज पर राजी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हीं अता फरमाया अ किसी फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ने अब अल्लाह ताला खुद तो आके अता नहीं फरमाता मतलब यह है कि अल्लाह ताला मालिक है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाता है फिर महबूब पाक पाकसला आगे तकसीम फरमाते हैं व मा माता जो अल्लाह ने उनको अता किया व रसूल और उसके रसूल ने अता किया जिनके गुमान में यह बात है कि अल्लाह का नबी कुछ नहीं देता वो इस आयत पे गौर गौरव फिक्र फरमाएं अच्छा क्या ही अच्छा होता कि वो ये इस बात पर राजी होते इस काम पर राजी होते कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको अता किया वकाल और ये कहते हसबुन अल्लाह हमें अल्लाह काफी है तो मेरे लिए अल्लाह ही काफी है ये उसको कहना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को अता करने वाला मानता हो रबान फरमाए अगर वो ये कहते ये अकीदा रख करके अल्लाह भी अदा करता, करता है उसकी महबूब तकसीम करता है हम उदी अल्लाह कहते अल्लाहु दिन अल्लाहली व रसूलू यहां भी अगर थोड़ी सी भी अकलमंदी बंदे के अंदर मौजूद है तो रब फरमाता है कि अन करीब अल्लाह अन करीब अल्लाह और उसका रसूल हमें अपने फजल से और ज्यादा अताफरम मतलब वो ये कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अन करीब अल्लाह और उसका रसूल हमें अपने फजल से अता फरमाए अब गौर करें कितनी जबरदस्त बात क्या ही अच्छा होता वो अल्लाह ताला और उसके रसूल के दिए हुए पर खुश होते और साथ में ये कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अन करीब अल्लाह अपने फजल से और उसका रसूल हमें और अता करेगा अब अता करने वाला अल्लाह पहला का फाइल अल्लाह फिर वह रसूल दूसरा फाइल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और मिन फजल ही ईज मीर का मर्जे अल्लाह ताला की जात तो अल्लाह और उसका रसूल अता करना फजल अल्लाह का ही है मालिको मुख्तार अल्लाह ही है लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब वसल्लम को फिर मालिक बनाया <ग्ण> और रसूल पाक वसल्लम भी अल्लाह के फजल से ही गनी करते हैं तो सरकार का देना नबी पाक वसल्लम से मांगना वो हकीकत में अल्लाह का फजल ही मांगना है सलेमानसलाम ने जब आसफ़ बिन बरखिया वाला मामला हुआ तो आसफ बिन बरक़िया से आपने कहा के लेके वो तख्त वो लेके आए खैर वो तारी सारी तफसी है अब हजरत बिन सलीमान सलाम ने मंगवाया तो उम्मती से लेकिन फरमाया हाज अमिन फजले रबी ये मेरे रब का फजल तो नबी से मांगना नबी का अता करना हकीकत में अल्लाह का फजल ही होता है और अगर कोई नहीं मानता तो वो इस आयत के बारे में फिर क्या कहेगा याद रहे किसी को नफा पहुंचाने या किसी से नुकसान दूर करने की नस्बत अल्लाह ताला के नेक बंदों की तरफ करना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है और इस तरह की नस्बतें पुरान पाक में दीगर मकाम पर भी मौजूद है जिस तरह सूर हजाब की आयत नंबर सैंतीस में है अन आमता अल्लाह ने भी उस पर इनाम किया और आपने भी उस पर इनाम किया तो इनाम करना जिस तरह अल्लाह तरफ इसकी तरह रसूल पाक की तरफ भी नस्बत फिर अल्लाह ताला ने सूर तोबा की आयत नंबर चौहत्तर में इर्षात फरमाया चौहत्तर नंबर आयत में रब इशाद फरमाता है <हु> रसूल पाक के बारे में किसी ने बदतमीजी की थी कोई जुमला बोला था रसूल पाकलम की, की तनकीस का पहलू निकलता था उसमें तो रब ने फरमा महबूब इनसे पूछो तो उन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह की कस्में उठाते कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, वाला कद कालू कुफर हालांकि उन्होंने क़लिमा कुफर बकाय पढ़ते थे इसके बावजूद बोला वह बाद इस्लामी और इस्लाम लाने के बाद भी जो रसूल वसल्लम की तोहनों तो तनकीज करेगा वो भी काफी और उन्होंने जो चाह था वो उनको नहीं मिला मतलब ये मुनाफिक की बात हो रही है जो वो हासिल करना चाहते थे अंदर खाते बैठ के अपनी बदतमीजियां करते थे जब वो सरकार दो पूछते हम तुम लोगों ने ये बात की नहीं नहीं ऐसी तो कोई नहीं आके जी सानू तो पता ही नहीं जी तो अल्लाह तौर जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला और इनको इज्जत रास नहीं आ रही रसूल पाक फरमाए और उनको यही बुरा लगा ना इल्ला रसूल फदली ने उनको अपने फजल से गनी कर दिया यानी अल्लाह ने भी गनी किया और उसके रसूल ने भी गनी किया। आग ना का फायल अल्लाह भी और उसका रसूल भी तो मतलब साफ साफ है कि हकीकत में सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ताला की अता है उसका महबूब भी गनी करते हैं तो एक बात तो ये है कि रसूल पाक सल अल्लाह वसलम की तनकीस करने वाला तोहन करने वाला वो इस्लाम भी कबूल कर चुका हो तब भी वो काफिर हो जाता है मगर ये बात डिसाइड कौन करेगा इसके लिए हाजिक तबीब से रबता किया जाए किसी मुफ्ती इस्लाम से रबता किया जाए पूरी डिस्कस की जाए पूरे तहकीक तहकीको तदकीब के साथ फिर मुफ्ती इस्लाम फतवा दे तो फिर उसके बाद आप उसके बारे में जिसने वो तोहिन की है उसके बारे में आप अदालत में जाके दावा दायर कर सकते हैं उमूमा होता यह है कि पता होता नहीं कि तो हुई है कि नहीं हुई <स्याद> अपने दिए समझते हैं और जाके अदालत में दावा दायर कर देते हैं और ऐसे लोगों की वजह से दो सौ पचानवे सी का कानून जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है अल्लाह जो नहीं जानते उनको जानने की तोफीक फरमाए और जो जानते हैं उनको सही बात आगे पहुंचाने की तोफीक ता फरमाए अल्लाह तला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई खास बंदा ही होगा अल्लाह जिसको भी हुकूमत अदा फरमाई है जिससे भी अल्लाह तमाम लेना चाहे वह ले सकता है बस दुआ कीजिए अल्लाह ती मुल पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा इसी तरह बात यह हम कर रहे थे कि नफा और नुकसान पहुंचाने नफा पहुंचाने और नुकसान से बचाने की जो नस्बत है वह अल्लाह के वालियों की तरफ की जा सकती है प्यारों की तरफ की जा सकती है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हमारा मुहाफिज और निगेबान बनाया अलग है हिफाज करने वाला अल्लाह ताला खुद है जबकि इसके बावजूद सुरह रत के अंदर अल्लाह तहुम अक्की बात उदई व मिन खलफिक्ला के आदमी के लिए उसके आगे और उसके पीछे बदल बदल कर बारी बारी आने वाले फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हकम से उसकी हिफाजत करते हैं अब हिफाज तो अल्लाह करता है लेकिन हिफाज की नस्बत अल्लाह के प्यारों की तरफ करती है फिर दूसरी जगह फरमाया वो वाल हाफजा ये सूरह इनाम की आयत नंबर इकसठ है इसमें भी फरिश्तों के निगमान फिर अल्लाह ने अनफाल आयत नंबर चौंसठ में फरमाया नी अल्लाह काफी है और जो मुसलमान तुम्हारे पैरोकार है वो भी तुम्हें काफी है तो किफ़ायत की नस्बत जिस तरह अल्लाह तरफ की है उस बंदों की तरफ की है लेकिन अल्लाह तब कि जितने कमालत हैं उनमें वो किसी का महताज नहीं है मगर उसके बंदे सारे कमाल में उसके महताज इस हवाले से बेहतरीन किताब अगर जिसका मुताल करना चाहे तो वह अलमन वल उलाह है सैदियाजरत फाजल की बहुत ही जबरदस्त किताब है इस हवाले से इसके बाद आप आ जाइए मैंने एक मरतबा आ, किसी को यह कहते सुना कि या अल्लाह और या रसूल कहीं लिखना था तो पेंटर बोला कि शिरक है निक ऐसी बातें लोगों को शिरक नजर आना शुरू होगी वो कहता है जी अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम नहीं आना चाहिए पहले तो ये सुना था कि या कहने से शिरक होता है क्योंकि या अल्लाह तो या अल्लाह तो शिर जबकि ये भी बात दुरुस्त नहीं थी या करीब के लिए भी आता है बीद के लिए भी आता है या जिंदा को पुकारने के लिए भी आता है या मुर्दा को पुकारने के लिए भी आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही जिंदा है आपने विसाल फरमाया आपको वफ़ात हुई आपकी लेकिन वो आने वाद में हुई और फिर उस ऐसी जिंदगी मिली जो इस जिंदगी से भी बामार बहरह अब जो अहबाब ये समझते हैं कि या अल्लाह के साथ या रसूल लिखने से शिरक हो जाता है उनके लिए चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ पुराने पाक में सूरह निशा की आयत नंबर तेरह में है वो व रसूल अल्लाह ने इतात में अपने साथ अपने साथ रसूल को रखा और फिर इसके बाद वाली आयत आयत नंबर चौदह में अल्लाह अल्ला ताला ने नाफरमानी के हवाले से भी अपने साथ अपने महबूब को रखा तो अल्लाह की नाफरमानी डायरेक्ट तो बंदा कर ही नहीं सकता रसूल पाक ही बताएंगे ना कि अल्लाह का फरमान है तभी तो नाफरमानी होगी तो अल्लाह ने फरमाया तरमाया वमाईस व रसूल जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की मतलब यह है कि महबूब की नाफरमानी फरमानी हकीकत में अल्लाह की ना फरमानी जिसरात मोईत रसूल महबूब की <coughs> इजात करना अल्लाह ताला की इताद करना फिर सूरत की आयत नंबर तैंतीस में ला ता ला अल्ला है अल्लाजी हार्लाव रसूल जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं अब अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता ना जाके लेकिन रसूल से लड़ना अल्लाह तरमाए मुझसे लड़ना अल्लाह ने अपने नाम के साथ महबूब का नाम रखा है

कि अल्लाह तला कोई इजा दे सकता है नहीं महबूब को इजादा देना अल्लाह फरमाया ये मुझे इजा देना सूरत हुजरात की आयत नंबर एक अल्लाह ताला फरमाता है ला या ला तो व रसूलि ये ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो भाई अल्लाह से आगे कैसे कोई बढ़ सकता है लेकिन महबूब से आगे बढ़ना ही अल्लाह ताला फरमाया ये मुझसे आगे बढ़ना फिर सूरतर की आयत नंबर चार है फरमाया मैं जारी कभी अन्ना हूँ शाख अल्लाह व रसूल ला अकबर ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की मुखालफत में भी अल्लाह ने महबूब की मुखालफत को अपनी मुखालफत फरमा वो अनसरून अल्लाह व रसूल हो फिर अल्लाह तूर हशर की आयत नंबर आठ में फरमाया कि वह लोग अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं अल्लाह की मदद कोई कैसे कर सकते हैं महबूब की मदद करना महबूब के साथ साथ चलना तो ये हकीकत में अल्लाह तला की मदद करना का ये एक के है कि सारी के लिए। अब उस आयद को लेकर कोई बोले कि बाकी सारे जलील हो तो ये भी अकलमंदी नहीं है हाँ इसका मतलब क्या है कि सारी इज्जतें अल्लाह की हैं अल्लाह मालिक है अल्ला सब इज्जतों का लेकिन फिर वो जिसे चाहता देता है और किस किस को देता है अल्लाह फरमाया मेरे लिए भी इज्जत मेरे रसूल के लिए िन और मेरे नेक बंदों के लिए भी इज्जत तो अल्लाह जगहों पे अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ रखे तो शिरक नहीं हो अल्लाह सलीम अरमा ऐसे ही बैठे बैठे लोग शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये भी शिरक हो गया ये भी शिरक हो गया इसके बाद सोरे तोबा की आयत नंबर पैंसठ देखिए अल्लाह तरशाद फरमाता है वाला इंस आलता हूँ पहले ही इसकी शान सुन लीजिए ये तफसर मदारक और तफसीर जो मंसूर के अंदर भी मौजूद है खुलासा यह है इस शान नजूल का कि गज तबूक में जाते हुए मुनाफिक के तीन ग्रुपों में से दो रसूल करीम सल्लाम के बारे में मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि इनका ख्याल है ये रूम पर गाले बाजें कितना अजीब ख्याल है एक ग्रुप बोलता नहीं नहीं यार हम ऐसी बात नहीं करते लेकिन उनकी मजाक में शरीक हो जाती तो नबी पाक अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया फिर मैं तो मैसे कह रहे थे नहीं, नहीं। हम तो मजाक कर रहे थे हम ऐसे लगे हुए थे सोच रहे थे ऐसा हो सकता है मजाक करते इस पर यह करीमा नाजिल हुई दूसरा शान यह है कि किसी की ऊंट नहीं गुम हो गई उसकी तलाश थी सरकार दोआल स फरमाया ये गैब सरकार ने फरमाया फला जंगल में फलां जगह उड़नी खड़ी तो उस पर एक मुनाफे कहने लगा लो हमारे बारे में तो पता नहीं है हम यहां सात फिर रहे हैं और मोहम्मद गैब की खबर उसको गैब की क्या खबर तो रसूल पाक सल्लम केल्ला ताला ताला को इतना गुजरा महबूब अगर आप इनसे पूछेंगे उन्ना तो वो जरूर कहेंगे इन कुन्ना ना हम तो वैसे हंसी खेल कर रहे थे मजाक कर रहे थे कुल महबूब इनको फरमा अब आयाती व रसूल क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से कौन तुम मजाक करते हो तुम शर्म नहीं आती के तुम नहीं कुफर की है अल्लाह तो अल्लाह को यह चीज़ बड़ी नागंर है की कोई उसके महबूब को माज अल्ला माज अहल गए याद रखियेगा कि जो बंदा ये अकीदा रखता है कि रसूल पाकल्म को बिल्कुल इम गैब नहीं बिल्कुल गैब नहीं तो ऐसे शख्स के बारे में बहुत खतरनाक बातें वो इनशालाब गैब के के हवाले से जब बाकायदा क्लास आएगी तो उसमें तफसीली अर्ज की जाएंगी। अल्लाह ताला ने जन्नतें बनाई फरमाया ये सूरह तोबा इसकी आयत नंबर बहत्तर में अल्लाह वादलनाल ने मुमिन औरतों और मर्दों से जन्नत का वादा की तजरी में तहति हल नीचे नहरें बहती खारज ना उसमें हमेशा रहेंगे वह बतन फी नये यादन और अल्लाह ने पाकिजा मकान बनाए रहने के बागों में व में मिनल्ला और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी फौजुल अजीम ये सबसे बड़ी कामयाबी है अच्छा याद रखिएगा जन्नतें आठ दारुस दारु दारु सलाम जन्नत अदन जन्नत मावा जन्नत जन्नत फ़िरदौस जन्नत नईम ये बयान के अंदर मौजूद है अच्छा अब आ जाइए चंद और बातें भी आपके सामने रखी जाए कि

जब निफाक जाहिर हो गया ऐलान हो गया या रसूल पाक वसल्लम ने मुनाफिक का जनाजा पढ़ा और उसके लिए बख्शिश की दुआ की और फरमाया करूँगा। अल्लाह तुमने फरमाया तुम उनके लिए माफी मांगो या ना मांगो अगर आप उनके लिए सत्तर बार भी इस्तेफार करें अल्लाह तरग उनको माफ नहीं करेगा अब इस आयत को लेकर बाद लोग ये समझते हैं कि आयत नंबर अस्सी है कि देखो जी नबी के चाहने से कुछ भी नहीं हो नबी ने कहा मैं दुआ मांगूंगा शिफात करूंगा ये करूंगा वो करूँगा अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी सिफारिश कबूल ही नहीं मेरे प्यारे भाई आप समझ ही नहीं सके इस बात आप बुखारी शिव की किताब तोहीद पढ़ी है। इमाम बुखारी की किताब तोहीद रसूल पाक सल्ला ने इशाद फरमाया कयामत के दिनों का दिन सारा वाक बयान किया कि कयामत के दिन जो है अल्लाह तेरी सिफारिश से जन् जहन्नम में पढ़े हुए लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाए जो लोग जहन्नम में होंगे उनको जन्नत में दाखिल फरमाए जो जहन्नम में होंगे उनको जन्नत में दाखिल फरमाए जहनम से निकाल तो एक तरफ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है महबूब ने ये भी बताया हदीसे भी सही है और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि बख्शिश भी मांगे हम माफ़ नहीं करें तो रब ने इर्शाद फरमाए कमाल का नुकता इसमें यह है कि महबूब जो मेरा गुनागार हो सिर्फ मेरा गुनागार यानी गुनाह कबीरा या सगीरा करता हो और आपको अजीयत ना देता हो आपके साथ धोखा ना करता हो मुनाफिक ना हो काफिर ना हो अब तला फरमाया महबूब वो जहन्नम के अंदर भी होगा आप सिर्फ इशारा करेंगे और आप ये चाहेंगे तो हम जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दें लेकिन जो आपका गद्दार होगा जो आपको धोखा देने वाला होगा महबूब उसके लिए आप भी सत्तर बार कहेंगे तो उसको मैंने माफ नहीं करना क्यों कफर व रसूल क्योंकि उसने आपका भी इनकार किया मेरा भी इनकार किया तो मसला सिर्फ अगर गुना का होता गद्दारी का नहीं होता तो बख्शिश हो सकती लेकिन महबूब आपका गद्दार उसकी बख्शिश नहीं होगी उसको माफी किसी सूरत भी

कभी भी वना इनकी कबर पर खड़े होना अच्छा कबर पर खड़े होने से क्या फ़ायदा होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अल्लाह तसल् कबर पर खड़े हो जाएं तो आपके वसीले से कबर रोशन हो जाती है हदीस पाक है तो अल्लाह तरमाया महबूब इनकी कबरों पे भी खड़े नहीं होना अच्छा जब तक ये आयत करीमा नाजल नहीं हुई थी तो रसूल पाक सल्ला ने नेब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल की नमाज जनाजा पढ़ दी मुनाफिक था राबत ने फरमा ये इतनी सख्ती क्यों इन्नाफर क्योंकि वो और उसके रसूल का इनकार करते वो मर वो गए इस हाल में कि वो ये ये फिस्क से मुराद, मुराद गुना है कबीरा नहीं अच्छा रसूल पाक सल्लम ने जब मुनाफों को सरदार मार गया तो उसके बेटे अब्दुल्ला बिन उबई वो सियाबी रसूल थे और बड़े इबादतारियाबी थे नर्स की यारसूल अल्लाह वसल्लम आप अपना कमीज़ मुबारक अदा फरमा दे मेरे बाप के लिए और उसकी नमाज जनादा पढ़ा दें उमर फारूक रदी अल्लाह नर्स की यार रसूल आप रहने दीजिए लेकिन नबी पाक सिकमत जानते थे और अभी मना भी नहीं हुआ था तो आपने अपना कमीस भी अता फरमाया और जनाजे में शिरकत कर ली कमीस अता करने की वजह यह थी किब्बास रजी अल्लाह तु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जो बदर में असीर होकर आगे कैदी बन के तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने अपना कुर्ता उनको दिया था सरकारी ने यह बदला भी अता फरमा और जनाजे में शिरकत चूके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मना ही नहीं किया पहले किया गया तो सरकार शरीक हो गए और आपके शरीक होने की वजह से कुर्ता अता करने की वजह से बहुत सारे मुनाफिक ये समझ कि अगर इनके कमालत नहीं होते तो कभी भी मरने वाला ये वसीयत नहीं करता ये मरने वाला का बेटा ये नहीं कभी कहता कि अपना कमी सता कीजिए तो जब उनके तबर्र की ये बात है कि दुश्मन भी मानता है तो फिर हमें तो मानना चाहिए खैर वो कलमा पढ़ के सही तौर पर मुसलमान सच्चे मुसलमान बन तो नबी पाक वसल्लम के प्यारे गुलामों हमारे यहा अजीब सूरत्याल मुसलमानों के मुल्क में कोई बड़ा काफिर मर जाए ना अगर तो मुसलमानों की सरबराही के दावेदार और उसके मरने पर इस तरह करते थे जैसे वो अपना बड़ा मर गया कब्र बनी हो तो उस पर दुआ मांगना शुरू हो जाए दुआ मांगना भी हराम और इस तरह की इजहार करना कि जिससे मुझे तो बहुत दुख हुआ बहुत ही दुख हुआ है ये दुरुस्त नहीं है हाँ अगर किसी काफिर की इस तरह जिस बाहर के रहने वाले लोग हैं वो अगर जाते ही हैं पहली बात तो ऐसी दोस्ती यारी होनी नहीं चाहिए अगर है भी मजबूरी है तो गए हैं तो फिर आप यूं इजहार कर सकते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ जी वो फौत हो गए बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस अंदर भी हो और अफसोस हो क्या अफसोस ये हो कि वो हालत ईमान पर नहीं गया ईमान के बगैर चला गया अच्छा काफिर के जनाजे इस आयत से मालूम हुआ काफिर के जनाजे की कि नमाज किसी हाल में जायज नहीं काफिर की कबर पर दफन व ज्यारत के लिए खड़े होना भी ममनू है क्योंकि यहां फिस्क से कुफर मुराद कुरान पाक ने फिशक को कुफर कहा है अफमन का नासिक ठीक है फ़ासिक के नमाज फ़ासिक के जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है बल्कि पढ़नी चाहिए फर्ज की फायर मिसाल के तौर तो पर गुनाह कबीरा कमर बेनमाजी है तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ें अगर किसी ने खुदकुशी कर ली है तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ें जब कोई काफिर मर जाए और उसका वली मुसलमान हो तो उसको चाहिए कि मसनून तरीके से उसको गुसल ना दे उस पर पानी बा दे ना मसनून कफन उसको दे बल्कि उतने कपड़े में पड़े जिससे इसका शतर ढांप जाए ठीक है शिर ढांप कर और शतर छुप जाए तो फिर उसको सुन्नत के मुताबिक दफन ना करे बल्कि गड़ा खोद दे और उसके अंदर रख के ऊपर मट्टी डाल दे तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों के लिए दुआ खैर करते रहने की तोफीक़ा तहफरमाये अल्लाह तला मेरी आपकी तमाम मुसलमान कामिल बख्श फरमाए कुरान अजीम को नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसलम की महब्बत और उल्फत सीने में बसाकर पढ़ने की तोफ़ी आमीन तहफरमाए नबी